इस देश को एक थर्ड सरकार की जरूरत है जो कांग्रेस और बीजेपी से हट कर रहे, तभी इस देश का कुछ सही मानों में हम लोग कुछ काम कर सकेंगे। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। जब से इंडिया गठबंधन बना है तभी से बीजेपी की टेंशन बढ़ी है। ऐसे में बीजेपी इंडिया को बदनाम करने के लिए तरह तरह के उपाय कर रही है, लेकिन जितने भी मीडिया से सर्वे आ रहे हैं इंडिया को बढ़ते हुए दिखाया जा रहा है। इसी को लेकर ओवैसी ने भी इंडिया पर हमला बोला है, देखिए ये रिपोर्ट। आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन की पहली बैठक पटना में हुई और दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई, और इसी दूसरी बैठक में इंडिया ने ऐसा दबाव बीजेपी पर बनाया कि मोदी शाह की नींद खराब हो गई। उसी कड़ी में लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के खिलाफ एक होने में लगे विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। इस बीच 26 दलों वाले गठबंधन इंडिया पर निशाना साधते हुए AIIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस ने लगभग 50 सालों तक देश पर शासन किया और बीजेपी लगभग 18 सालों तक सत्ता में रही। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा देश को तीसरी सरकार की जरूरत है। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे और आगे क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। नहीं, वो अल्टरनेटिव नहीं है। इस देश में हमेशा 50 साल के करीब कांग्रेस की सरकार रही और करीब अब 18 साल हो जाएंगे 20 बीजेपी के। इस देश को एक थर्ड सरकार की जरूरत है जो कांग्रेस और बीजेपी से हट कर रहे, तभी इस देश का कुछ सही मानों में हम लोग कुछ काम कर सकेंगे। तो मतलब आईएमडीआई जो है जिसमें कांग्रेस पार्टी है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो नहीं होना चाहिए? देखिए, जब कांग्रेस की ही सरकार थी तो यूएपीए को मजबूत किया गया, और कांग्रेस की ही सरकार में क्या क्या नहीं इस्तेमाल किया गया था। कांग्रेस की सरकार में जगन मोहन रेड्डी को जेल में डाला गया, ऐसे कई एग्जाम्पल्स आपको दे सकता हूं मैं। और फिर यही भी कांग्रेस ने जुलाई 2019 में यूएपीए कानून में बीजेपी को लोकसभा राज्यसभा में सपोर्ट किया, और उसकी वजह से आज कई भारत की जेलों में लोग तड़प रहे हैं, सड़ रहे हैं जेलों में। तीन तीन चार चार साल से बेल नहीं हो रही उन लोगों की, बेल नहीं हो रही उन लोगों की, क्योंकि कांग्रेस ने सपोर्ट किया उस यूएपीए के कानून को। तो आपका अल्टरनेट एजेंडा क्या है फिर? आप तो सपोर्ट कर रहे हैं ना। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि फॉरेन फंडिंग हुई, उस पर एक्शन लो। एक्शन लेने का मतलब क्या था? कांग्रेस और बीजेपी के नेता पर केस बुक होना चाहिए, जेल भी जाना चाहिए था। तो बीजेपी ने क्या किया, बैक डेट में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में एक लॉ बना दिया, कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया क्योंकि वो भी जेल में जाते थे। तो क्या आप आईएमडीआईए के साथ जाएंगे या फिर आप अभी भी अकेले ही? नहीं, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। वो बड़े चौधरियों का क्लब है, उसमें एक इलीट किस्म के चौधरी बैठे हैं, तो हमारा उससे क्या ताल्लुक? वो तो हमको गाली देते हैं, वो तो हमको कुछ और समझते हैं। तो हम तो यही कोशिश करेंगे। देखिए, उस अलायंस में बहन मायावती बीएसपी की नहीं है, केसीआर चंद्रशेखर राव नहीं है, उसमें आसाम के कई बड़ी पार्टियां बोडो नहीं है, राजस्थान के कई पार्टीज नहीं है, बहुत से पार्टियां नहीं है। ओवैसी, जिनका गठबंधन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है और बीआरएस के साथ तेलंगाना में सरकार चला रहे हैं, ऐसे में ओवैसी अपने सहयोगी तेलंगाना के सीएम केसीआर की जमकर तारीफ की और कहा कि उन्हें कम मत समझिए। राज्य में किसानों की आत्महत्या आम बात होती थी, पीने के पानी की समस्या होती थी और बिजली भी एक बहुत बड़ी परेशानी थी। यहाँ तीनों समस्या पहले से काफी कम हुई है, ऐसे में देश को इस तरह के एक विजन की भी जरूरत है। परेशानी यह है कि आप बीजेपी का विजन देख रहे हैं तो वहीं दूसरा इंडिया का प्रोग्राम सामने आ रहा है। ऐसे में मेरा मानना है कि देश को तीसरे विकल्प की जरूरत है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है। यहां पर कुछ फैक्ट बताते चलें कि इंडिया में कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू, डीएमके, समाजवादी पार्टी,
पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी समेत 26 दल हैं। वहीं एनडीए में 38 दल हैं, लेकिन मुख्य रूप से बीजेपी अकाली दल हैं। अब देखना होगा कि 2024 की लड़ाई में कौन बाजी मारता है और किसकी सरकार अगले साल बनती है। लेकिन बीजेपी काफी खुश है, क्योंकि अगर वो वोट काटता है तो बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन हर सर्वे में एक बात कॉमन होती जा रही है और वो है वोट रेशियो, जिसमें अभी हाल ही में कहा गया है कि इंडिया एनडीए की हालत खराब कर रहा है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, देखना होगा, लेकिन राजनीतिक लड़ाई अभी भी जारी है।